नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से लाल जी रेसिपी में। आज हम बनाने जा रहे हैं सुरती गांठिया। सुरती गांठिया कैसे बनेगा, वो सबसे सॉफ्ट वगैरह कैसे होगा, उसमें क्या क्या डालना है, कौन से टेम्परेचर में बनाना है, तो हम बनाएंगे सुरती गांठिया जो सबसे अच्छा वगैरह कैसे बनेगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब किए। आज मैं अपने हाथों से आपको सुरती गांठिया बना के खिलाऊंगा, जो सुरती गांठिया कैसे बनते हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा मेरा उद्देश्य यही है कि आपकी कंपनी को आगे से आगे बढ़ा के लेके चलूं। मैंने अभी तक 10,000 से ज्यादा कंपनियों को सर्विस दे चुका हूं, लेकिन मैं इसको शो नहीं कर सकता कि मैं कौन कौन कंपनियों को सर्विस दी है, क्या किया है। इसलिए मेरे जो भी नमकीन के भाई वगैरह है, वो रेसिपी वगैरह देखो, बनाओ, एकदम परफेक्ट रेसिपी है। अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह आती है तो मेरे से पूछो। तो चलो आज फैक्ट्री में चलते हैं, सूती गांठिया अपने हाथों से बना के खिलाता हूं। तो बार बार लोग मेरे से यही पूछते रहते हैं कि इसमें सोडा डालें कि नहीं डालें। तो सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि सोडा नमकीन में अलाउड नहीं है। बेसनों में ये फूड ग्रेड के हिसाब से नॉन्स में ये अलाउड नहीं रहता। ये बन रहा है देखो अपना सुरती गांठिया। सुरती गांठिया की ये जाली है, सबसे ज्यादा बारीक चलती है जो 5-10 रुपए पैकेट में, और थोड़ी मोटी चलती है मिक्सचर वगैरह बनाने में। बारीक जाली 2 नंबर है। ये अपनी है सेव मशीन, ये जाली लगा रहे हैं। आज मैं अपने हाथों से आपको बना के खिलाऊंगा। ये नहीं कि मैं रेसिपी बता रहा हूँ, मैंने इस लाइन में 20 साल दिए हैं। तो देखिए ये जाली वगैरह लगा रहा हूँ। ये जाली होगी, ये सेव मशीन है। तेल लेना है, जो तेल अपने को एकदम प्रेस तेल लेना है। अगर अपन पैकिंग में गांठिया बना रहे हैं तो अपने को एकदम प्रेस तेल लेना है। तेल एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। तेल से लगभग कढ़ाई भरी हुई होनी चाहिए, ज्यादा तेल कम नहीं होना चाहिए। ज्यादा तेल कम होगा तो वो सॉफ्ट वगैरह नहीं बनेंगे। और सबसे बड़ा मेन सवाल है वो तेल की सॉफ्ट बनाने का ही है। तो इसमें अपन मोरण जो देंगे तेल का, वो लगभग 2.25 लीटर तेल डालेंगे इसके अंदर। 2.25 लीटर तेल का मोरण देंगे, और पानी जो डालेंगे उसमें पानी जाएगा पूरा 4 लीटर। 4 लीटर अपने को लीटर से माप के भी पानी डालना है, कम ज्यादा पानी नहीं करना है अपने को 4 लीटर। और अपन जो बेसन लेंगे वो सुपर बेसन लेंगे, और बेसन लेंगे 10 किलो। ये मली लगेगी। अब मली में अपने को नमक मिलाना है 400 ग्राम, और अजवाइन मिलानी है इसमें 50 ग्राम। कई थोड़ा ज्यादा बनाने के लिए अजवाइन 80 ग्राम भी डालते हैं, 50 ग्राम भी डालते हैं, और 100 ग्राम भी डालना है अपने को, जितना लेना है उतना। ये मली लग रही है अपनी। और जो दोस्तों सबसे ज्यादा जो सवाल रहता है सॉफ्ट का, तो मैं आपको बताऊंगा सॉफ्ट कैसे होगा। जो ये मल्ली गुंदाई हो रही है, मेन इसकी गुंदाई पे ही सॉफ्टनेस आती है। मल्ली ज्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, और मल्ली की गुंदाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। कम से कम 4 से 5 मिनट तक अपन भावनगरी गांठिया या सुरती गांठिया बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं दोनों तीनों, तो उस मल्ली की गुंदाई बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए, और मल्ली में लचक होनी चाहिए। जितनी अच्छी मल्ली की गुंदाई वगैरह होगी, उतनी ही अच्छे फुले हुए सॉफ्ट गांठिया बनेंगे। और मैं देख आपको दिखाता हूँ कैसे मशीन वगैरह से बनते हैं। देखिए कैसे मल्ली की गुंदाई वगैरह हो रही है एकदम। मल्ली ज्यादा कड़क नहीं होनी चाहिए, न ज्यादा नरम होनी चाहिए। 2.25 लीटर के लगभग इसमें मोरण लगेगा। ये मल्ली डाल दिए पतीले में, अपन जाली लगा के पहले से ही रेडी है। इसमें टेम्परेचर लगभग 170 से 180 डिग्री टेम्परेचर पे अपने को घान जो मारते हैं वो मारना है। कढ़ाई की लगभग अगर 36 इंच कढ़ाई हो तो सबसे बेस्ट गांठिया बेसन के आइटम बनाने में सबसे अच्छा रहता है। ये तेल की कढ़ाई भी अपनी भरी हुई है, टेम्परेचर भी अपना आया हुआ है, ये गांठिया बनने के लिए अपने रेडी हो रहे हैं। मशीन में ज्यादा हाथ मत दो, हाथ देने से मशीन में उंगली वगैरह कटने का डर रहता है। धान भी अपने को ज्यादा बड़ा वगैरह नहीं डालना है, जितना देख के डालना है। ये हो गया, इसको मशीन को साइड में कर दो, और इसको अच्छा सा दबा के अपने को सिकाई करके दबाना अच्छा है, और इसको पलटी मारना है अपने को। जब दबा दबा के अपने को इसको पलटी मारना है, सिकाई का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है।
अगर प्रॉपर वे में बनेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि बिस्कुट खा रहे हैं अपन, इतने सॉफ्ट और इतने अच्छे गाठिया बनती हैं ये, बहुत ही अच्छा टेस्ट रहता है इनका। पूरा दबाना है अपने को, ये देखिए सूती गाठिया बन रही है कितने अच्छे, एकदम तेल प्रेस होगा तो व्हाइटनेस ही अलग रहेगी इसकी, चमक वो भी अलग रहेगी, तेल थोड़ा सा काला पीला होगा तो इसका चमक वगैरह खत्म हो जाती है इसकी। पूरा अपने को टेम्परेचर वगैरह देख के, तेल वगैरह देख के पूरा मारना है अपने को। ये देखिए कितने अच्छे बन रहे हैं, लाउट भी बहुत शानदार आ रही है, इसमें न कोई सोडा डाला हुआ है, न कुछ पापड़ खार वगैरह कुछ भी डाला हुआ नहीं है, एकदम प्योर बेसन से बने हुए हैं, सुपर बेसन से बने हुए हैं। ये देखिए जो भी अपना गाना लग रहा है उसको पलटी मार दो, पूरे गांठे को पलटी मार के अच्छे से दबा दो, पूरी सिकाई हो तो सिकाई होने के बाद में अपने को बाहर निकालना है इसको। ये लिफ्टिंग बट्टी है, जैसे ही अपने सिकाई हो गई, इस तरह के और भी अगर आपको वीडियो वगैरह देखने पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए लालजी की रेसिपी। धन्यवाद।